तबीयत तो खराबे है, फिर भी चलने फिरने लगे, घूमने फिरने लगे। अभी बज रहे हैं जी रात के 8 और जिया को देख सकते हैं पैकिंग कर रही है। जिया अपने सारे सामान को समेट रही है और जिया को जो है अचानक से अब जो है मायके निकलना पड़ रहा है। बात ही कुछ ऐसी हो गई। पूजा कर रहा है, देख सकते हैं बाबा के साथ पूरा करता है एकदम ध्यान लगा के। बहुत लोग पूछ रहे थे अब आपका तबीयत कैसा है। तबीयत तो खराबे है, फिर भी चलने फिरने लगे, घूमने फिरने लगे। हाँ, पहले से बहुत ठीक है। अगर सामने से कोई देखता तो कहता अभी बहुत ठीक है, 90%। अरे अब ऊपर माँ सब्जी लेके माँ से पूछने गए थे कि खाने में क्या बनेगा, तो माँ बोली आलू बोले की सब्जी, साग दाल रोटी चावल, और क्या बनेगा। बोले ठीक है फिर चलते हैं। सरपति देव किचन में खाना बना रहे हैं क्या? खाना नहीं बना रहे हैं, एक सेब खाए तो हाथ धो रहे थे। अच्छा, हमको लगा हेल्प कर दीजिएगा थोड़ा। हेल्प कर देते हैं इन सबको छिलने में। हाँ, ये भी बहुत बड़का हेल्प है। बाकी अनार तुम छिल दो, इसको हम छिल देते। वाह, छोटा वाला काम आप कीजिए। मतलब इसको छिलने में कितना समय लगेगा बताइए तो। बहुत मेहनत का काम है, क्या समझिए। तो आप सारा छिलिए, जा रहे खाना बनाने। अभी हम है जी पूर्णिया में, पूर्णिया में रूपवानी सिनेमा के पास है और वहाँ से अभी हम लोग जो है निकल रहे हैं। अभी जस्ट कुछ देर पहले एक मूवी देख रहे थे, कांतारा, बड़ी ही जबरदस्त मूवी थी जी, बहुत ही एक अलग तरह का स्टोरी था, काफी अच्छा लगा। फिलहाल हम लोग अब यहाँ से चल रहे हैं, सूरज जो गाड़ी निकाल चुका है, चलते। मूवी देखने के बाद जी आ गए हैं एक रेस्टोरेंट में और यहाँ पर दो लोग तो नॉन वेजिटेरियन है, सूरज और रिशम, और हमारा जो है हर बार की तरह अपना मंगाया मलाई कोफ्ता, जो कि याद भी हो गया होगा सूरज सबको। हाँ, सबको मलाई कोफ्ता आने से पहले ही ऑर्डर हो जाता कि मलाई कोफ्ता है। लाइम सोडा, हाँ, क्या मिला और मिंट वगैरह, क्या फ्रेश लाइम सोडा है क्या? फ्रेश लाइम सोडा दे दीजिए। स्वीट एंड सॉल्ट चाहिए। हाँ, मिक्स सॉल्ट। The next day. जो है मेरे इस हाथ को देख करके खेल रहा है। है नहीं क्रियंस? तो आज है जी रविवार और पिछले कुछ दिनों से जो है बिल्कुल भी ब्लॉगिंग नहीं किए हैं। बात क्या है जी, जब कोई फेस्टिवल रहता है ना तो उस समय जो है शूट करने में बड़ा मजा आता है। जैसे ही कोई फेस्टिवल खत्म हो जाता है उसके बाद जो है शूट करने में थोड़ा सा बन नहीं पाता है, क्या शूट करे नहीं करे। लेकिन जी आप, रियलिटी। हाँ जी, और आप ऐसे बहुत लोग जो है कमेंट भी करते रहते हैं जब ब्लॉग नहीं आता है, भैया आज का ब्लॉग नहीं आया। मेरे इंस्टाग्राम पे मैसेज आया था, दीदी हम डेली रात के 9 बजे का वेट करते हैं, सारा काम खत्म करके बैठे रहते हैं कि जल्दी से कि जिया दीदी का व्लॉग आएगा, और आप लोग डालते नहीं हो। हाँ जी, तो इसीलिए जो है तो हमने उसको क्या बोला बताया क्या? कि इसी वजह से कम आप काम तो पहले कर लेते हैं और हमारा काम लेट हो जाता है। और जी हम यहाँ पर काट रहे हैं यह टॉप जो छठ का प्रसाद है, अब इसको खाया जाए। कुछ टुकड़ा तो खा भी चुके हैं और बहुत ही मीठा लगा, बहुत ही मजेदार है। जिया का खाना भी लगभग उधर बन ही चुका है और कुछ देर में बन जाएगा, तो उसके बाद जो है खाना भी खाएंगे। तो सबसे पहले इसको खत्म कर लिया जाए, अभी नाश्ता हो जाएगा और ठीक उसके लगता है 1 घंटा बाद जो है खाना हो जाएगा। और जी जहाँ रही डेली ब्लॉगिंग की बात, हम कोशिश कर रहे हैं कि डेली ब्लॉग कर पाए, वैसे अभी तक जो है हम ज्यादा सफल नहीं हो पाए हैं। पहले हमें ध्यान है, बोलने में सफल रहे। बिल्कुल जी, पहले हमें ध्यान है 30 में से 26 दिन आया है आज तक हाईएस्ट, उस दिनों से बहुत ज्यादा ही मतलब क्या बताए रेगुलर नहीं रह पाए हैं, तो माफ कीजिएगा उसके लिए। कोशिश कर रहे हैं रेगुलर डालते रहे, कुछ ना कुछ डालते रहे। और आप लोग में से कमेंट आते हैं कि रियांश का ज्यादा से ज्यादा डाला कीजिए, तो कोशिश करेंगे जी रियांश को भी लाते रहेंगे ब्लॉग में हम लोग। A few moments later. रियांश आ चुका है। हेलो बोलो रियांश, राधे राधे। वो सबको कैमरा के सामने ही नहीं देखता है। सबको बोलो राधे राधे। राधे राधे। और इधर पतिदेव जो है अपना खा रहे हैं। बिल्कुल जी खा रहे हैं, छठ का प्रसाद है, प्रसाद को बहुत मन लगा, खाना चाहिए, खा रहे हैं। और जो चीज इनको अच्छा लगेगा उसमें बिल्कुल भी नहीं कहेंगे जिया तुम भी खा लो। नहीं, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। देखिए निकल गया ना मुंह से सही बात क्या है, कि हम खाएंगे तो जिया ऑटोमेटिक खा लेगी, है ना। अच्छा अच्छा, पति की सेवा करो, पति को खुश रखो। अच्छा अच्छा अच्छा। इधर क्रियांश को देख सकते हैं, ये उंगली खींच के मुंह में लेगा मेरा, इसको देख सकते हैं पापा के साथ मैचिंग में। बहुत गंदा लड़का हो गया, बहुत गंदा लड़का हो गया है। कुछ देर पहले कितना रो रहा था, दूध पीना था, दूध पी लिया है, बस अब एनर्जी आ गया है ना, बस एकदम खेलना शुरू। चलो जा, बस बहुत काम है लोगों को, जा भागो।
लड़ाई करेगा दादी से, रहो करेगा दादी एक पास। चिल्लाता कितना है, कैसे लगता? क्यों इस तरह से करता मुंह तुमने? क्या सिखाया है लड़का? सब देख लिया। उधर से तुम बहनों का तो बड़ा फीलिंग है। दीदी दीदी मुंह कैसे कर रहा है आजकल? बाय बाय, जा जा जा, तेल लगाइए, स्नान कीजिए, खाना खा लिया, तेल लगा, 2 बजे फिर खाना, जाओ। अभी क्रियांश की हो रही है जी मालिश, तो क्रियांश का जल्दी से मालिश हो जाएगा, फिर उसके बाद चलेगा नहाई कर देंगे, है ना क्रियांश? और फिलहाल जो है क्रियांश जो है तो हाथ मुंह में लेने की कोशिश कर रहा है। पता नहीं इसका दांत आ रहा है क्या आ रहा है, इसका जो चीज मिलता है सब कुछ मुंह में लेता है। बिल्कुल, इसको कितना सारा तीथर मिल गया है, मार्केट से ला करके दे दिए है, लेकिन जो इसका नेचुरल तीथर है उंगली, वो लेना नहीं छोड़ेगा। यहाँ पर क्रियांश की नाई नाई हो चुकी है और क्रियांश जो है नहा चुका है, और यहाँ जो प्यारा सा इसका है, क्या बात सूट बोलेंगे, यह हमें दिया है अपने यूएसए के बहुत ही प्यारे से बच्चे जानू और प्रिंसी ने। तो थैंक यू सो मच बोलो भैया को और दीदी को भी बोलो थैंक यू, बोलो थैंक यू। ओए क्रियांश, ओए कहाँ देख रहा है ये, कहाँ देख रहा है तू, कहाँ देख रहा है, किधर देख रहा है क्रियांश? कितना प्यारा लग रहा है ना। बहुत प्यारा जैकेट लिया। ओए क्रियांश, ओए क्रियांश, अच्छा है एकदम, बिल्कुल एकदम ठंड नहीं लगेगी, दिखने में भी प्यारा जैसा लग रहा है, हीरो हीरो लग रहा है, हीरो। तो क्रियांश तो अब रेडी हो चुका है काफी मशक्कत के बाद। क्रियांश का नियम यह रहता है ना, इसको कोई कपड़ा पहनाएगा, अगर पहना लिया तो कोई खोलेगा नहीं, और काजल तो बिल्कुल नहीं लगाना है वरना जोर से शोर मचाएगा, यानी क्रियांश ताकि दादी आके लेके भागे। हां, ऊपर से कंघी तो भूल कर भी नहीं करता है। जैसे वैसे इसको छोड़ दीजिए। The next day. अभी बज रहे जी दिन के 12:30, कुछ देर पहले ही पापा को छोड़ करके आए हैं, और पापा को छोड़ करके वहाँ पर जो है अपना थोड़ा सा हेयर कट और शेव करवा लिया, और यह सब इसलिए करवाया है जी क्योंकि कल कहीं निकलना है, और कल कहाँ निकलना है आपको टाइटल से तो अंदाजा लग ही गया होगा। जी हाँ, कल हम निकल रहे हैं जिया के मायके, और कुछ दिन वहाँ पर रुकेंगे, फिर उसके बाद जो है आना होगा। तो फिलहाल जो है हम जाते हैं, अब जा करके थोड़ा सा नहा लेते हैं, क्योंकि हेयर कट हुआ है, शेव हुआ है, तो नहाना जरूरी है, तो चलते हैं। मम्मी का भी स्नान हो गया है और मम्मी कर रही है पूजा, और क्रियांश जो है जग चुका है। बहुत वो 4 दिन से तबीयत खराब था, एक मिनट भी मुझे बिना पूजा का मन नहीं लगता है। उससे तो पूजा तो हर पल करते हैं भजन में, लेकिन एक विधि विधान है पूजा का मंदिर में, तो वो 4 दिन से नहीं कर पाए थे। कल भी मन लायक पूजा नहीं किया हम, हमको मन नहीं लगता था, इसलिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं तो शरीर स्वस्थ रखिए, जो आपका पूजा पाठ हम करते हैं, अपना समय बिताते रहें, और सबके लिए दया और दुआ मांगते रहें। और यहाँ पर देख सकते हैं हमारे बुंगी महाराज को, यहाँ जो है जग चुका है, सोया हुआ था, तो हमारे दूध वाले अंकल जो है आए, कॉल बेल बजाए, और उसी कॉल बेल से यह जग गया है, और अब जग गया है तो अब यह कैसे सोएगा, और अब लक्षण तो लग नहीं रहा है इसके सोने का, तब यह खेलेगा। तो जी आएगी नहा करके, इसको पकड़ेगी, फिर हम जाएंगे, फिर हम स्नान करेंगे, है ना क्रियांश? ओए क्रियांश, इसको पकड़ना चाह रहा है, कैमरा को पकड़ना चाह रहा है, पकड़ना चाह रहा है इसे। 3 hours later. अभी बज रहे हैं जी 8:00, और जिया को देख सकते हैं पैकिंग कर रही है, जिया अपने सारे सामान को समेट रही है, और जिया को जो है अचानक से अब जो है मायके निकलना पड़ रहा है, बात ही कुछ ऐसी हो गई जी। दरअसल बात क्या है कि आने वाला है कार्तिक पूर्णिमा, है ना? अच्छा कल ही है ना, तो कार्तिक पूर्णिमा का जो है मेला इसके गांव के आसपास बहुत अच्छा लगता है। हम बहुत दिनों से नहीं गए थे क्योंकि यहाँ पे रहते ही नहीं थे हम लोग, बाहर जब भी बाहर रहते थे, बाहर रहते थे, और इस बार हम लोग घर पे हैं, तो मम्मी बोली कि कम से कम एक दिन के लिए भी आ जाओ। शादी के 3 साल हो गए हैं, और पिछले 3 साल से जो है जिया वो अटेंड नहीं कर पाई, और जो है हमें बहुत खुशी हो रही है क्योंकि हमारे सारे फ्रेंड आ रहे हैं, जो जो भी बाहर में सारे बचपन के दोस्त मिलेंगे बहुत दिनों बाद, ठीक है, बहुत अच्छा लग रहा है जा करके। और मेरी सारी फ्रेंड का भी कॉल आ रहा है कि अच्छा है कि कम से कम इस बार तो आ रही हो, हम लोग तो हर बार आते हैं लेकिन तुम इस बार आ रही हो, फिर साथ में घूमेंगे। वो अच्छा है जी, जी अपनी सखी से मिलेंगी। तो अब ऐसा करते हैं जी, इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं, उम्मीद करते हैं आज का यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आज का यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कर दीजिए, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन दबाना नहीं भूलें कि हमारा कोई भी वीडियो आए सबसे पहले आपको, और हाँ जी वीडियो को एक शेयर तो जरूर कर दें, आपके एक शेयर से बहुत बड़ा सपोर्ट मिलता है, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय।